हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो जी आप सब? आई होप आप सभी ठीक ठाक ही हो गया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नो मेकअप मेकअप लुक। पहले मुझे भी सुनने में थोड़ा वियर्ड लगता था, लेकिन हाँ, ये एक ऐसी लुक है जिसमें हम चीज़ें तो सभी यूज़ करेंगे, लेकिन वो लुक एक ऐसी हो जाती है कि दिखने में ऐसे नहीं लगेगा कि कुछ एक्स्ट्रा फेस पर किया हुआ है। ये लुक ऐसी है कि हम कहीं भी वियर कर सकते हैं, जैसे कुछ मतलब कि कुछ फंक्शन ऐसा हो या कोई ऐसी जगह जाना पड़े जहाँ हम इतना सारा मेकअप करके नहीं जा सकते। लेकिन गर्ल्स के लिए क्या होता है ना, अपने स्किन को थोड़ा सा ब्राइटनर करना और अच्छा दिखाने के लिए थोड़ा मेकअप तो यूज़ करना ही पड़ता है। इसमें हम चीज़ें तो बहुत मिनिमम सी चीज़ें यूज़ करेंगे, मेकअप सारा करेंगे, लेकिन दिखने में ऐसा लगेगा कि फेस पर कुछ भी नहीं किया हुआ। उसे हम बोलते हैं नो मेकअप मेकअप लुक। मीन्स कि हम मेकअप भी करेंगे, लेकिन दिखने में ऐसा लगेगा कि हमने कोई भी मेकअप नहीं किया। चलो बिना किसी देरी से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलो जी, लेट्स गेट स्टार्टेड। जी, मैंने मेकअप करने से पहले जो स्किन केयर रूटीन होती है वो मैंने फॉलो कर लिए थे स्टेप सारे। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी कि मेकअप करने से पहले हमें कौन कौन सी चीज़ें एज अ स्किन केयर लगानी चाहिए। जी, नेक्स्ट स्टेप है मेरा, मैं यूज़ कर रही हूँ प्राइमर। प्राइमर लगाना इसलिए ज़रूरी होता है, जो हमारे पोर्स होते हैं ना उन्हें मिनिमाइज़ करता है। इससे क्या होता है कि अगर हम फाउंडेशन या कोई भी बीबी क्रीम लगाते हैं तो वो इवेंटली पूरी स्किन को कवर करती है। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो फाउंडेशन है वो ऐसा नहीं लगेगा, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, टैकी सा नहीं लगेगा। तो इसके लिए पहले मैं लगा रही हूँ प्राइमर। ये लिटिल बिट लिया मैंने प्राइमर। अब मैं डॉट डॉट करके ये नोज एरिया, फोरहेड एरिया, चीक्स पर और यहाँ पर लगाऊंगी, और अच्छे से इन्हें, ऐसा नहीं कि आप हार्डली स्किन को रब करोगे, जस्ट धीरे धीरे से आप पूरी स्किन पर इसे लगा लीजिए। आप किसी भी कंपनी का प्राइमर यूज कर सकते हो। इसे लगाने के बाद आप जब टच करोगे ना अपनी स्किन को, तो आपको ऐसा लगेगा स्मूथ सा, मतलब कि टेक्सचर स्किन का आ जाता है, स्मूथ हो जाती है स्किन, इवन हो जाती है पूरी। तो इसके बाद हम कुछ भी, चाहे बीबी क्रीम लगाते हैं चाहे फाउंडेशन लगाते हैं, एक तो वो लॉन्ग टाइम तक टिका रहेगा और दूसरा क्या है कि इवनली हमारी स्किन को स्किन के ऊपर लगेगा। चलो जी, इसके बाद लग गया हमारा प्राइमर। अब हम इसके बाद में क्या करूँ, मैं फाउंडेशन ही आज यूज़ कर रही हूँ। आज मैं कर रही हूँ लैक्मे 925 CC क्रीम, जो कि एक एज अ फाउंडेशन ही काम करती है और इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। ये मेकअप एक्चुअली मेकअप कह सकते हो आप, कोई भी कॉलेज गर्ल चाहे वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, वो भी कैरी कर सकती हैं। अब हम क्या करेंगे, डॉट 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 करके पूरे फेस पर लगा लेंगे। चलो जी, डॉट डॉट करके मैंने पूरी स्किन पर लगा लिया। अब आप स्पॉन्ज की मदद से या फिर कोई भी आपके कॉम्पैक्ट पाउ में जो ये पैड आते हैं उसकी मदद से हम सारे टैप टैप करके क्रीम को पूरी तरह से ब्लेंड कर लेंगे पूरे फेस पर। सारे फेस पर लगा लिया। अब जो एक्स्ट्रा स्पॉन्ज को लगा रह जाएगा उससे ईयर्स के ऊपर और अपनी नेक पर, ता जो फेस और नेक अलग ना लगे फेस से ना। चलो जी, लग गया। अब हम क्या करेंगे, फाउंडेशन को सेट करने के लिए, चाहे क्रीम लगा रहे हो फाउंडेशन लगा रहे हो, उससे सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पाउडर से, कॉम्पैक्ट पाउडर से हम इसे सेट कर लेंगे। ईजी स्टेप है, कोई इतना वो नहीं है कि हाँ बहुत ज़्यादा लगेगा फेस पर, नहीं। अगर आपके, मेरे तो इतने अंडर आइज हैं ब्लैकिश, बट इतने ज़्यादा नहीं है। अगर आपके हैं तो आप कंसीलर भी यूज़ कर सकते हो, उससे आपका थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ जाएगा। लेकिन क्या होता है ना कि अंडर आई एरिया जो होते हैं जिनके ब्लैक होते हैं, अगर कंसील कर लेंगे तो वो सारा इवन टोन लगेगा। ठीक है जी, चलो जी, ये हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे आईब्रो, आईब्रोज को फिल करेंगे। उसके लिए मैं ले रही हूँ अपनी, अच्छा जी, अब मैं आई शेडो पैलेट से ये ब्राउन कलर लूंगी ब्राउज को फिल करने के लिए।
ये लो जी एक हो गया, अभी मैं दूसरा करके मिलती हूँ। लो जी दूसरा भी हो गया। आप रोज फिल करने से ये होता है कि थोड़ी सी जो फेस की दिख है ना वो ही बदल जाती है, तो ब्रोज फिल करना भी मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट है इसके लिए। चलो जी बहुत हो गया मजाक, अभी हम करते हैं हल्का सा ब्लश लगाएंगे। ये है ELF कोई कंपनी है बाहर की, और इसमें से मैं ये शेड लूंगी ये वाला। ये शेड ऐसा है कि एज अ कंटोरिंग भी ये बहुत अच्छा जाता है और एक नेचुरल सी लुक देता है ये। देखिए जी अच्छा जी, चलो जी मेरा ये भी हो गया। अब हम लेंगे हल्का सा हाइलाइटर, ब्रिज ऑफ द नोज लगाएंगे। मैं फिंगर के साथ ही लगा रही हूँ ब्रिज ऑफ द नोज। जस्ट हल्का सा, चलो जी ये भी हो गया। अब हम सेम पैलेट से फिंगर की हेल्प से कोई भी लाइट शेड ले सकते हो। मैं ये ले रही हूँ, ये लिया मैंने, देखिए चलो जी। लाइनर ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो लगा भी सकते हो। मैं लगाने जा रही हूँ जी, एक सेकेंड एक सेकेंड। ऐसे ही मैं दूसरी और भी लगा लूंगी। चलो लाइनर लग गया। आप अब हम जाएंगे लिप्स की और आप लिप्स के लिए कुछ भी यूज कर सकते हो। मेरे पास ये लैक्मे की लिपस्टिक, लैक्मे की सेम 925। मेरे को थोड़ा ये डार्क लग रही है, अब मैं क्या लूंगी, एक वेट टिश्यू पेपर लिया मैंने। आइए अच्छा जी, अब आप बालों का कुछ भी कर सकते हो, ऐसे ओपन रखना चाहते हो तो ओपन भी रख सकते हो। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा मेरा ये नो मेकअप मेकअप लुक। मैंने बहुत ही मिनिमम से प्रोडक्ट यूज़ किए हैं, जो आप अगर बिगनर हो तो इजीली ये मेकअप कर सकते हो। ये थी नो मेकअप मेकअप लुक, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। कमेंट करके ये बताना मत भूलिएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं जी जल्दी से जल्दी एक नई वीडियो के लिए, तक के लिए गुड बाय।